जीसस तो शांति की मूरत थे, सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी, बोले कि हे भगवान उन्हें माफ करना। दोस्तों हमारी इस देश दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ईश्वर का मीनिंग बिल्कुल भी पता नहीं है, जो नहीं जानते कि ईश्वर का मतलब क्या होता है, और ये लोग संसार की हर एक चीज को अपना ईश्वर बनाकर बैठ जाते हैं, पूजने लग जाते हैं, उसकी आराधना करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही हमारा ईश्वर है, और जब समय आता है किसी इंसान को ईश्वर कहने की तो ये लोग उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि ईश्वर क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। ध्रुव राठी को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, काफ़ी दिनों से उनका चैनल बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग उनकी वीडियोज को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये कल एक लेटेस्ट वीडियो आया, तो उस वीडियो में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कुछ बातें कही हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया? क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत से लोग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनकी वीडियोज को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी देखते हैं, हर धर्म के हर जात के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ हर तरीके के लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं। लेकिन जब बात हुई प्रभु यीशु मसीह की उनकी वीडियो में, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को दिखाया कि यीशु मसीह क्या था, उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लोगों को किस तरीके से माफ किया, परमेश्वर का स्वभाव ध्रुव राठी ने बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करूं। सो प्लीज आप लोग इस क्लिप को देखिएगा जो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, एंड बहुत कुछ और भी आपको इस क्लिप में मिलेगा। और अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप ध्रुव राठी के चैनल पे जाकर जो लेटेस्ट कल उन्होंने वीडियो अपलोड किया आप जाकर देख सकते हो, और भी वीडियो चेकआउट जरूर कीजिएगा, तो ताकि आप भी कुछ सच को जान सकें। पहले इस क्लिप को आप देखिए, फिर आगे हम बात करने वाले हैं, एंड अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। और मोदी जी भारत में भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक बीजेपी वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बना दिया, गुजरात में इनका एक मंदिर बना, तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बना। क्या मजाक चल रहा है? ये इकलौते नेता नहीं है जिन्हें भगवान से कंपेयर किया जाता है। एक समय पर एडोल्फ हिटलर को भी जीसस से कंपेयर किया जाता था। राजनीति में हिटलर की एंट्री की तुलना की जाती थी जीसस के रिजरेक्शन से। लेकिन उस समय ये सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे? जीसस तो शांति की मूरत थे, सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी, बोले कि हे भगवान उन्हें माफ करना। जबकि हिटलर तो नफरत का सौदागर था, तो कैसे जीसस का इस्तेमाल किया जाए नफरत फैलाने के लिए और हिटलर को उससे भी कंपेयर किया जाए? इसके लिए हिटलर और नाजी लोगों ने बाइबल को ही बदल डाला। मजाक नहीं कर रहा, ओल्ड टेस्टामेंट जो थी बाइबल की उसे ही हटा दिया गया उनके समय में। जीसस को इस तरीके से चित्रित किया गया कि वो ऐसा लगे कि वो यहूदियों के खिलाफ लड़ने वाले एक फाइटर हो। सिमिलरली बीजेपी के लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार करके पुकारते हैं, लेकिन यहाँ भी दिक्कत वही आ जाती है कि नरेंद्र मोदी तो नफरत फैलाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो कि किस प्रकार से आज इंसान इंसान को अपना ईश्वर कहता है, और जब बात आती है सच्चे ईश्वर की तो उसे ठुकराया जाता है, उसे इनकार किया जाता है और उसे झूठा बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी मैं बाइबल के अंदर से आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करने जा रहा हूँ। सो जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 146 उसका 3 वचन और 4 वचन लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। यहाँ पे वचन साफ कहता है तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आज इस संसार के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, यहाँ तक कि लोग मनुष्य को अपना ईश्वर बनाकर बैठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसी चक्कर में हम सच्चे परमेश्वर को भूल जाते हैं और सच्चा परमेश्वर का विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान सब कुछ है, इंसान हमारा ईश्वर है, इसने ये हमारे लिए किया तो ये हमारा ईश्वर हो गया। आप किसी इंसान को रेस्पेक्ट कर सकते हो, किसी इंसान को अपना ईश्वर नहीं बना सकते। और जब हम 4 वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी।
किसका प्राण निकलेगा? जो मनुष्य है एक दिन वो जरूर नष्ट होगा, उसे एक दिन जरूर मरना पड़ेगा, उसे भी एक दिन इस देह को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो कितना बड़ा प्रधान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भले काम करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे वो देश का कितनी बड़ी शासक क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी परमेश्वर से बढ़कर हो ही नहीं सकता। इस संसार के अंदर जब बात आती है मनुष्य को अपने ईश्वर कहने की, क्योंकि इस संसार के अंदर हम बहुत तरीके से जानते हैं कि लोग हर चीज में बिलीव करते हैं, कोई किसी चीज को अपना ईश्वर कहता है, कोई किसी चीज को अपना ईश्वर करता है, कोई मनुष्य को अपना ईश्वर बना लेता है, वो उनका विश्वास है, वो उन्हें लगता है। लेकिन जब बाइबल को हम देखते तो बाइबल में कहती है कि तुम मनुष्य पर भरोसा मत रखना, क्योंकि मनुष्य मिट्टी और वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। एक मनुष्य पर हम कब तक भरोसा रख सकते हैं? जब तक कि वो हमें धोखा ना दे और जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए, जब तक वो अपने शरीर से प्राण ना छोड़ दे। दो कंडीशन में आप एक मनुष्य पर भरोसा रख सकते हो, लेकिन ये परमेश्वर से बढ़कर नहीं होना चाहिए। और अगर आप मनुष्य को सब कुछ समझते हो तो आप धोखा खा सकते हो, क्योंकि मनुष्य क्या पता आपको कब धोखा दे दे, क्या पता वो कब अपने प्राण को छोड़ दे, तो आप धोखे में रह सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है तो प्रधानों पे भरोसा ना रखना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और आज इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, मनुष्य को अपना ईश्वर बना लेते हैं, चीज़ों को अपना ईश्वर बनाते हैं। वो उनका फेथ है, मैं उनकी फेथ पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ भाई, वो उनका फेथ है, वो जो उन्हें लगता है वो करे। बट बाइबल की शिक्षा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से ध्रुव राठी ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह के साथ लोगों ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया था, यहां तक कि लोगों ने उनके मुंह के ऊपर थूका था। लेकिन ये परमेश्वर का नेचर है कि वो क्षमा करने वाला है, वो दया करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेम को प्रकट किया जब क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तड़प रहा था, दर्द में था, परेशानी में था, पिता से दूर हो चुका था, जब वो संसार के पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर बैठा हुआ था। तब क्या किया था उसने? उन लोगों को क्षमा किया था जिन लोगों ने उसके हाथों पैरों में कीले ठोके थी, जिन्हें उन्हें क्रूस पे चढ़ाया था, जिन्हें उन्हें कोड़े लगाए थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया था और कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस संसार के अंदर अगर आप मनुष्य पर भरोसा रखते हो, या फिर मनुष्य को अपना ईश्वर कहते हो, या फिर किसी भी चीज को जो इस संसार की है, तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सच्चे परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो वो कभी टलने वाला नहीं है, कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए आपको सच्चे परमेश्वर की ओर फिरने की बहुत आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। कौन पिता? जो स्वर्ग का राजा है, जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। तो जरूर आप लोग अपने मन को सच्चे परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि संसार की हर एक चीज जिसको आज मनुष्य अपना ईश्वर बनाकर बैठ गया, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देन मैंने जब ये वीडियो देखा ध्रुव राठी का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे जब बात हुई हिटलर की, तो हिटलर को लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के तुल्य जान लिया, यीशु मसीह के समान समझने लगे। लेकिन यीशु मसीह की तो शिक्षाएं कुछ अलग है, और यीशु मसीह भले मनुष्य था, लेकिन वो मनुष्य के देह में पूरा का पूरा ईश्वर भी था। और वही ईश्वर आज आपको बुलाता है, वो कहता है कि मेरी ओर फिर जा, क्योंकि संसार की सब चीज़ें एक समय पर नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जिस मनुष्य पर तो भरोसा रखता है, जिन चीज़ों पर तो भरोसा रखता है, सब की सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी, और सबकी कल्पनाएं तुरंत मिट जाएंगी। क्योंकि हर एक संसार की जो चीज़ है, जो परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। लेकिन आप सच्चे परमेश्वर के साथ रहोगे, सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, अगर आप उसके अनुसार अपना जीवन जीते हो, तो निश्चय आपको बचाएगा और सदा का जीवन आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पे बलिदान हो चुका है। बस आपको और मुझे विश्वास करना है, विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, एंड अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड बता दूं, ये वीडियो किसी भी धर्म जात को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखना, बाइबल की सच्चाई लोगों के सामने रखना इस वीडियो का मेन मोटिव था।